हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी बॉक्स या फिर दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास ये सुरेख का बॉक्स है। इसको हम लोगों ने रेडी कर लिया हुआ है। आज हम लोग इसी पर सनमाइका लगाएंगे। तो सनमाइका लगाने के टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि कहाँ से आपको सनमाइका लगाना स्टार्ट करना है और कौन सा आपको लास्ट में लगाना है। ये चीज़ें दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा हमारा सुरेख का बॉक्स जिस पर हम लोग सनमाइका लगा रहे हैं। अगर इस बॉक्स के चारों तरफ आपको सनमाइका लगाना है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स के पीछे की साइड में सनमाइका लगाएंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पर पीछे की साइड में सनमाइका लगा देना है और उसके बाद दोस्तों हम लोग दोनों साइडों में सनमाइका लगाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एक साइड में हम लोग यहाँ पे सनमाइका चिपका रहे हैं, अभी हम लोग दूसरी साइड में सनमाइका लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों सूखने के बाद हम लोग इस सनमाइका को फिनिश करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हमारी धार है इस पर सनमाइका लगाएंगे। साथ ही साथ ये जो हमारा इस कटिंग का एरिया है यहाँ पर भी सनमाइका लगा देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, जो हमारी सामने वाली धार है जो कि ऊपर की साइड में रहेगी इसको भी आपको लगा देना है। और सबसे पीछे दोस्तों आपको ये जो हमारा टॉप है उस पर आपको सनमाइका लगाना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स होता है इसकी धार पर हम लोग पहले सनमाइका लगा देते हैं, धार और इस कटिंग की, और इसके बाद दोस्तों हम लोग दोनों साइडों में लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद टॉप। कभी कभार दोस्तों आप इस तरीके से भी सनमाइका लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों ये रहेगा कि साइड से एक धार आपका नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर हमारा डोर आ जाएगा। तो आप चाहे तो सबसे पहले धार भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप इधर, उसके बाद टॉप। और ये रहा दोस्तों हमारा डोर। इसका दोस्तों हम लोग चारों साइड में सबसे पहले धार लगा करके उसके बाद आजू बाजू सनमाइका लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा कोई भी बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। आप भी इस तरीके से किसी भी बॉक्स में सनमाइका लगा सकते। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।